भाइयों बहनों, इस प्रदेश में एक भय का, एक भ्रष्टाचार का, जिस प्रकार का वातावरण 2014 से पहले था, हमने उसको मिटाया, दूर किया है। बिना भ्रष्टाचार के, बिना पर्ची खर्ची के ये दी है। लोगों के ट्रांसफर जो हमारे कर्मचारी, उनके ट्रांसफर भी बिना भ्रष्टाचार के हमने कराए हैं। आए थे हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणवी एक नारा दिया, और इस नारे के कारण से सारा हरियाणा आज इस मत का है कि हम ये जो सरकार चला रहे हैं, इसका सीधा सीधा लाभ हर हरियाणवी को। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इंद्रदेवता ने परीक्षा ली है, और इस परीक्षा के समय भी इतनी भारी संख्या में, और ये अपना जनसमूह कोने कोने से आया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं कि आज दुर्गाष्टमी का यह त्योहार है, और इस दुर्गाष्टमी के एक प्रकार से गुप्त नवरात्रे जो होते हैं उसकी दुर्गाष्टमी है। इस अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं कि हमने हरियाणा में देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार 2014 में हमने बनाई। उस समय अमित शाह जी आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और हमने जिस उत्साह से सरकार बनाई थी, जो वायदे जनता से किए थे, जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों के आधार पर हम लगातार 8 साल से काम कर रहे हैं। जैसा देश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, अमित शाह जी के हमारे प्रभावशाली एक गुणत्व जो उनका योजना का है, उस योजकता में जो सरकारें चल रही हैं, उसी नाते से हमने हरियाणा में भी आपकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार के करने के आदि थे, उनके सबके हमने पंख काट दिए, उनके रस्से काट दिए, उनको बेरोजगार कर दिए। भाइयों बहनों, इस प्रदेश में एक भय का, एक भ्रष्टाचार का, जिस प्रकार का वातावरण 2014 से पहले था, हमने उसको मिटाया, दूर किया है। और निश्चित रूप से जैसे देश आगे बढ़ा है, हम भी कदम से कदम मिला करके हरियाणा के नाते से आगे बढ़े हैं। हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं, चाहे वो व्यवस्था परिवर्तन में हर गरीब आदमी की सेवा करने का हमारा काम हो, हमने लोगों की पहचान की। हम सब सरकारें कहा करते हैं कि हम नीचे तक के लोगों की जाकर के सेवा करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। हमने वादा किया कि हम पहुंचेंगे नहीं, हम शुरू नीचे से करेंगे, और नीचे से शुरू करेंगे तो गरीब की, किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, छोटे उद्योगपति की जो भी सेवा होगी, हम भरपूर उनकी सेवा करेंगे। और निरंतर डबल इंजन की हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार में मोदी जी और चाहे हरियाणा में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगातार हरियाणा की जनता, 2.5 करोड़ जनता की हम सेवा कर रहे हैं। मित्रों भाइयों बहनों, हमने दूसरी बार 2019 में उन्हीं अपनी उपलब्धियों के आधार पर अपनी सरकार बनाई है। अब 2019 के अंदर सबसे पहला जो संकट, वो सारे विश्वव्यापी संकट था, कोविड का संकट। इस कोविड के संकट से भी हमने राहत पाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक रास्ता दिखाया, हमारी 2 प्रकार की वैक्सीन तैयार की, हमारे जो भी सैनिक थे उन सैनिकों ने, एक प्रकार के कोविड सैनिकों ने लोगों की सेवा की, राहत दी। और बड़ा संतोष का विषय है कि हम लोग उस चक्र में से बाहर निकल आए, और एक प्रकार की जीत हुई है। दुनिया को रास्ता दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कोविड में से हमको कैसे बाहर निकाला है, ये हमने देखा है। भाइयों बहनों, इस काल में हमने सुशासन को अपना संकल्प बनाया कि हम सुशासन से अच्छा शासन देकर और लोगों की सेवा करेंगे, उस प्रकार का लगातार काम कर रहे हैं। हमने नौकरियां भी बिना भ्रष्टाचार के, बिना पर्ची खर्ची के ये दी है। लोगों के ट्रांसफर जो हमारे कर्मचारी, उनके ट्रांसफर भी बिना भ्रष्टाचार के हमने कराए हैं। एक प्रकार का कांग्रेस के सरकार में कहा जाता था कि सरकार की एक इंडस्ट्री चलती है, उसको कहते हैं बीबीसी की इंडस्ट्री।
बदलियां, भर्तियां, सीएलयू, हमने वो सब बंद कर दिया। और ऐसे कैसे लोगों को स्वच्छ प्रशासन मिले, घर बैठे सरकारी सेवाएं, योजनाएं ये कैसे दी जाएं, इसके अनूठे प्रयोग हमने किए। हमारी सराहना केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने तो की है, बाकी सब लोगों ने भी दूसरे प्रदेशों में हमारी सहायता की है। भाइयों बहनों, लोगों के घर बैठे राशन कार्ड बने, लोगों को, बुजुर्गों को घर बैठे उनकी पेंशन मंजूर कराई। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से किसान का जो फसल है 14 फसलें MSP पर खरीदी गई हैं। किसी प्रकार का भी उनको मुआवजे की बात आती है तो घर बैठे मिला है। उनकी फसल के दाम DBT के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे भेज दिए हैं। कहीं भ्रष्टाचार का बीच में कोई समय नहीं किसी को मिला कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करना है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के करने के आदि थे उनके सबके हमने पंख काट दिए, उनके रस्से काट दिए, उनको बेरोजगार कर दिए, बेरोजगार कर दिया हमने उनको। और जो हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, मैं समझता हूं जो भ्रष्टाचार के और जो इस प्रकार के कैंसर के रोगी भ्रष्टाचार करते थे और इन लोगों के आगे पीछे घूमते थे, वही कहते हैं हम बेकार हो गए, हम बेरोजगार हो गए। अगर उनके भ्रष्टाचारी लोग अगर बेरोजगार होते हैं इसके कारण से उनको बेरोजगारी का बढ़ा हुआ आंकड़ा मिलता है, तो निश्चित रूप से उस प्रभाव के अंतर्गत वो कहेंगे कि बेरोजगारी ज्यादा हो गई। हम गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग लगाए, लघु उद्योग भरपूर मात्रा में लगभग 8.5 लाख लोगों को प्राइवेट रोजगार मिला है, 1 लाख के लगभग लोगों को हमने सरकारी पक्की नौकरियां दिलाई हैं, और ऐसे ही आउटसोर्सिंग पर HKR के माध्यम से भी हमने लोगों को रोजगार दिलाया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत 32,000 लोगों को सीधा सीधा लाभ हमने लाया, चाहे बैंक से लोन है चाहे सरकारी ग्रांट है, इस प्रकार के सारे लाभ उनको दिए गए हैं, सबने अपनी आय को बढ़ाने के उद्यम किए हैं। तो इस नाते से मित्रों हर वर्ग को हमने और लाभ पहुंचाया है। अब चूंकि प्रदेश में एक अच्छा वातावरण खड़ा करना है और उस अच्छे वातावरण को खड़ा करने के लिए लोगों का जनजीवन कैसे ऊपर उठाना है, लोगों को संस्कारित कैसे करना है, इन संस्कारों के लिए भी महापुरुषों के लिए भी उनके विचार, उनके विचार का प्रसार, उनका सम्मान, इसमें हम पीछे नहीं हटे हैं। हमने अपने संत महापुरुष विचार प्रसार और सम्मान योजना बनाई, जिसमें बड़े बड़े जितने भी संत जन हैं, महापुरुष हैं, उनकी जयंतियां हमने बनाई, उनके नाम से संस्थानों के नाम रखे, ताकि प्रदेश के अंदर किस प्रकार से वातावरण अच्छा हो। अगर मैं गिराने लगूंगा तो एक लंबी कड़ी है, लंबी कड़ी है कि कैसे कैसे हम नाम शुरू किया। हमने पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से सुपुआ यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा। पंडित लक्ष्मीचंद जी हमारे नौजवानों के लिए कितने एक प्रेरणा के एक महापुरुष के लाए हैं, उनके नाम से हमने रखा। हमने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के नाम से फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी उसका हमने नाम रखा। हमने महाराणा प्रताप के नाम से कुरुक्षेत्र के अंदर एक यूनिवर्सिटी, बागवानी यूनिवर्सिटी बनाई। हमने महाराजा अग्रसेन के नाम से हिसार का एयरपोर्ट उनके नाम से रखा। मित्रों महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से कैथल में संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई। हमने अभी भगवान परशुराम जी के नाम से कैथल का मेडिकल कॉलेज ये हमने बनाया, नाम रखा है, अभी बन रहा है, बनेगा। पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय जी के नाम से हमने करनाल में अपनी मेडिकल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। कितने ही महापुरुषों के नाम से, डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से सोनीपत में ही लॉ कॉलेज का, लॉ यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से रखा। तो इस प्रकार से ऐसे संतों महापुरुषों के नाम से और चीजें बनाई जाए, ताकि प्रदेश का एक वातावरण किस प्रकार से और अच्छा सुंदर बने, ताकि लोगों के जो श्रद्धा के जो महापुरुष है उनको याद करेंगे तो लोगों का जनजीवन ये किस प्रकार से सुखी होगा। हमने लोगों की सहायता करने के लिए, गरीब परिवारों की सहायता करने के लिए और परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था की है, और उस परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था में हमने कैसे गरीब लोगों के
परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाते हुए गरीब लोगों को जिनकी आय सीमा 1,20,000 रुपया होती थी उसको 1,80,000 रुपया बढ़ा करके 15 लाख से 29 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का जो आर्थिक बीमा जो उनके स्वास्थ्य का बीमा मुफ्त में वो उनको लागू कराया है। इसी प्रकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो गरीब परिवार हैं 1 लाख से नीचे जिनकी आय है उनके लिए हमने कैंप लगाए, कैंप लगा करके उनको रोजगार देने की व्यवस्था की। हमने आखिरी ट्रेल तक पानी पहुंचे इसलिए पानी का प्रबंधन अच्छा किया, पानी को बचाया और आखिरी ट्रेल तक पानी पहुंचाया है। हमने जिन फसलों की कीमत कम हो जाती है भावांतर भरपाई योजना ये हमने लागू की ताकि कहीं अगर कमी पड़ती है बाजरे की कीमत बाजार भाव एमएसपी से कम था, हमने एक बार 600 रुपया और एक बार 450 रुपया 2 बार नगद पैसा उनके वहां भेजा। स्पोर्ट्स में हमने पॉलिसी बनाई और ऐसे आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको सीधी भर्ती 550 पोस्ट के लिए लागू की। ग्रुप सी में 3% की जो कोटा था उनका बहाल किया। ग्रुप डी में 10% हमने स्पोर्ट्स पर्सन को ये काम दिए। यानी इतना 8 सालों में इतने काम किए हैं। मित्रों याद करते करते हमको भी सारे याद नहीं आते कितने काम हम आगे कर गए हैं। तो इस प्रकार से हमने इस प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जो भी विषय ध्यान में आते थे हर समय योजना बनाई, किसी बात को हमने कमी छोड़ी नहीं है। ये प्रदेश एकता के स्वरूप में बढ़ा रहे, सारा समाज एक साथ मिलकर काम करे। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था क्या, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। आखिर सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इन प्रदेशों को भी आगे बढ़ाएंगे। हमने भी जब हम आए थे हरियाणा एक ये नारा दिया और इस नारे के कारण से सारा हरियाणा आज इस मत का है कि हम ये जो सरकार चला रहे हैं इसका सीधा सीधा लाभ हर हरियाणवी को, हर जिले को, हर विधानसभा को ये बराबर मिलता है। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। मित्रों सरकार बनते ही पहली बार भी और दूसरी बार भी हमने सब विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए कि जाइए अपने कार्यक्षेत्र में काम कराइए, चिंता नहीं की वो कौन सी पार्टी का विधायक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे वो जननायक जनता दल पार्टी का है और चाहे कांग्रेस पार्टी का है, चाहे इंडिपेंडेंट है, सब विधायकों को हमने 5-5 करोड़ रुपए दिए अपने क्षेत्र में काम करा के आओ। हमने जाकर के ग्रामीण क्षेत्र को भी पूरी सुविधाएं दी, पूरी ताकत दी कि वो अपने काम अपने आप कराएं। तो इस नाते से मित्रों कामों की कमी नहीं है।